इसके आगे 2-3 साल आगे जिस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आज के तारीख में ये लोग इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि ये लोग अपने देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का अटैक हो रहा है, हर टाइम इन लोगों का नज़र है अपने दुश्मन के ऊपर। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, जय श्री राम, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के बारे में क्या बताएं, आप लोगों ने देखा रहेगा कल मैंने एक छोटा सा क्लिप भी डाला है। आज है डेट 2 अक्टूबर, तो हैप्पी गांधी जयंती आप सभी लोगों को, आप जितने भी मेरा तमाम यूट्यूब फैमिली है आप सभी लोगों को। तो आप लोग मेरा चेहरा देख के मालूम पड़ चुका होगा आप लोगों को, मैं रात भर सोया नहीं गाइस बराबर, क्योंकि इतना खतरनाक तरीके से ईरान ने एक ही बार में अटैक किया 181 बैलिस्टिक मिसाइल, मगर जिस तरीके से अटैक हुआ इसराइल के ऊपर उतना नुकसान नहीं कर पाए। तो हम लोग, मैं एक्चुअली मैं बहुत ही सेफ हूँ और मेरा एम्प्लॉयर रूबेन कोइन भी सेफ है। तो गाइस, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर इसराइल अटैक किया इसराइल के ऊपर, और इंडिया में मेरा दार्जिलिंग में देखा जाए तो श्रमिक बहुत ज़्यादा पीड़ित है गाइस, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और आज के दिन यहाँ पे मेरा खाने में बन रहा है पोर्क और राय को साग बनाने जा रहा हूँ गाइस, और बाहर का वेदर भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। एक्सपेक्ट किया था बारिश होगा करके, मगर बारिश हुआ नहीं, मगर जरूर बारिश होगा गाइस। अभी धूप है मगर इतना कड़क धूप भी नहीं है। ये चेक करो मेरा डल्ले खोरशानी का बगीचे है, और इस साइड भी है, और ये मेरा बॉडी, यहाँ पर राय का साग भी हो रहा है, ये चिल्ली देखिए। तो गाइस, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ। एक तो यहाँ पे अच्छा समय नहीं जा रहा है इसराइल के लिए, और इसराइल का भी न्यू ईयर है रोश हसाना। तो तमाम इसराइली मेरा दोस्त लोग और पूरा इसराइल देश को हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी रोश हसाना बोलना चाहूँगा गाइस, क्योंकि आज से इन लोगों का फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, और ये महीने ज़्यादातर इन लोगों का फेस्टिवल ही रहता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा रहेगा, जिस टाइम हमास ने इसराइल का एक किबूज साउदर्न पार्ट किबूज में अटैक किया था, इसी फेस्टिवल के दौरान किया था गाइस। तो ये एक डार्क डे माना जाएगा इसराइल के लिए, ये एक डार्क डे इन लोगों के लिए। तो उसके बाद अभी तक देखा जाए ना, तो इसराइल में जितने भी फेस्टिवल है, पूरा 1 साल हो गया, ये लोग खुल के नहीं मना रहा है। ये लोग इतना प्यार करते हैं अपने देश के लिए, तो ये लोग आज के तारीख पे अगर देखा जाए ना, तो जितने भी फेस्टिवल वगैरह कुछ भी है ना, जिस तरीके से, जिस धूमधाम तरीके से मनाते थे, बहुत साल में देखा हूँ यहाँ पे रह चुका हूँ, तो आज के तारीख पर अगर देखा जाएगा तो ये लोग उस तरीके से किसी भी फेस्टिवल को नहीं मना रहा है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है देश के ऊपर इतना भारी प्रॉब्लम चल रहा है, और बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, और इतना ज़ोर ज़ोर से टेररिस्ट अटैक हो रहा है। तो सभी तमाम इजरायली अपने देश के लिए, देश के हित में खड़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सब चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलता है गाइस, मगर आज के तारीख पे मैं कंपेयर करूँ मेरा दार्जिलिंग में ना, बहुत बहुत बुरा हाल है श्रमिक का गाइस, बहुत बुरा हाल है। तो स्टे ट्यून, मैं कंटिन्यू करूँगा आज का वीडियो।
सो दोस्तों फाइनली रेडी हो चुका है राय का साग, पोर्क, कालो दाल, हम तो काला दाल बोलते हैं, मूंग दाल, तिल का चटनी, मैंगो चटनी और पापड़। अब हम खाना खाएंगे। चलो साइड गाइस खाना शुरू करते हैं। तो गाइस कल जो 181 मिसाइल जो कि ईरान ने लागे थे इसराइल के ऊपर, तो इतना ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाए, मगर इंडियन एक न्यूज़ बता रहे थे 22 जो इसराइल का जो फाइटर जेट है उसको तबाह किया है कल ईरान का जो मिसाइल ने बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में। मगर मेरे को लगता है नहीं, अभी तक मैंने वो न्यूज़ देखा इंडिया इसराइल का अभी तक ऐसा कुछ अपडेट दिखा नहीं। हाँ, एक दो आदमी जो कि डेथ हुआ है उससे भी ज़्यादा जो डरावना घटना जो हुआ इसराइल में कल, जो दो टेररिस्ट आतंकवाद इसराइल के अंदर घुसे और उन लोगों ने अंधाधुंध में जो गोलीबारियाँ किया, तो उस दौरान सुनने में आया है 8 इनोसेंट पीपल डेथ किया हुआ है कल। और जो 181 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इसराइल के ऊपर दागे थे रात के 8 बजे के बाद, कल बहुत ही मैं भी डर गया था, अभी तक का सबसे डरावना मंजर था कल। एक ही साथ एक ही बार में इतना ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ, और जो एयर डिफेंस है ना इसराइल का, कहीं ना कहीं मेरे को लगा वीकनेस वो सब मिसाइल को वो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे मिसाइल जो है ना इसराइल टेलीबिप एरिया में ब्लास्ट हो गए, मगर इतना बड़ा कोई डैमेज नहीं हुआ है। एक दो बिल्डिंग में शायद लगा रहेगा, बाकी खुला एरिया में ये सब ब्लास्ट हुआ है। तो ईरान ने कल ज़रूर भयंकर अटैक किया था, मगर जो भी उन लोगों का मंसूबा था वो शायद वो लोग कामयाब नहीं हो पाए, तो इसके रिप्लाई ज़रूर फिर से इसराइल देगा। इसराइल अगर अटैक करेगा ना प्रॉपर मिशन प्रॉपर प्लानिंग के तहत करती है, और उन इन लोगों का जो टारगेट है ना गाइस बहुत ही एक्यूरेट टारगेट रहता है। अगर इसराइल कहीं भी टारगेट हमला करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा नूर गाइस, आप लोगों ने देखा रहेगा न्यूज़ में हुसैन नूरहल्ला जो कि बहुत सालों से इसराइल उसको ढूंढ रहा था, उसको टारगेट कर रहा था, हिजबुल्ला का जो चीफ था उनको किस तरीके से मार गिरा है लोगों ने, इन लोगों का निशाना चुकता नहीं, बहुत एक्यूरेट रहता है। मगर कल ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया, इन लोगों को अंधाधुंधा मालूम नहीं किधर वो लोग अटैक कर रहे, कहाँ पर अटैक कर, बिना टारगेट सेट किए हुए उन लोगों ने शायद अटैक किया था। मगर ज़रूर हाँ, बहुत सारे मिसाइल जो है ना इसराइल के अंदर ब्लास्ट हुए, मगर इतना ज़्यादा कैजुअलिटी का कोई खबर नहीं है अभी तक। तो थैंक यू गाइस आप लोग इतना प्यारा सपोर्ट के लिए। तो और एक चीज़ गाइस, जो जितना भी फ्लाइट था वो तो डिले होना ही था, या फिर वो तो पोस्टपोन होना ही था, क्योंकि एयरपोर्ट अभी बंद किया है। कल जिस तरीके से अटैक हुआ, एक ही साथ 181 मिसाइल एक ही बार में आएगा, तो ये जो जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको तो कैंसिल करना ही पड़ा, तो उसको अभी कैंसिल किए हुए, तो फ्लाइट जो भी इंडिया से आने का है अभी शायद थोड़ा वक्त लगेगा। और जिन जिनों का वीज़ा का वेट कर रहे हैं आप लोग, वीज़ा का जो भी काम है वो थोड़ा डिले होगा, क्योंकि आज इवनिंग से इन लोगों का रोज़ ससाना करके एक फेस्टिवल है, यानी कि न्यू ईयर, साना तोबा बोलते हैं ये लोग, हैप्पी न्यू ईयर साना तोबा कुलाम इजरायली पीपल, साना तोबा एवरीवन फॉर ईयर
बेस्ट विशेस एंड आने वाले वक्त में अच्छा हो इसराइल का, और आप लोग भी ज़रूर सपोर्ट करना, साथ साथ ही जो हमारा दार्जिलिंग में हो रहा है चाय श्रमिक के साथ, उन लोगों को भी ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें, और आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होगा। आज भी बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हुए थे रोहिणी गेट के लिए, मगर प्रशासन ने आधा रास्ते में रोका है। बहुत दुखी बात है यार, बहुत सारे लोग रो रहे थे, बहुत सारे श्रमिक लोग रोए हैं इस बार, आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में हम लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग वोट डालेंगे गाइस। जब भी हम लोग वोट देंगे ये दिन को याद करके हमें देना पड़ेगा। जय साई श्रमिक। और जो इसराइल का अपडेट है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, अभी रोज़ सेशन आए, उसके बाद सुकोत, बहुत सारे इन लोगों का फेस्टिवल आ रहा है, और उससे क्या होगा, जो भी ऑफिशियल काम है उसमें डिले होगा गाइस, डेफिनेटली उसमें डिले होगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वेट करें। तो और उसके साथ साथ ही 7 अक्टूबर आ रहा है गाइस, 7 अक्टूबर बहुत ही इन लोगों के लिए ब्लैक डे माना जाएगा, मानते ये लोग। और अभी तक इसराइल में जितने भी फेस्टिवल है, जो भी इन लोगों का प्रोग्राम वगैरह आता है, जो पिछले साल, इसके आगे 2 साल 3 साल आगे जिस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आज के तारीख में ये लोग इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि ये लोग अपने देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का अटैक हो रहा है, हर टाइम इन लोगों का नज़र है अपने दुश्मन के ऊपर, तो जितने भी ये लोग का सेलिब्रेशन करने का टाइम, जैसे कि हम लोग का दिवाली दशहरा हम लोग धूमधाम से मनाते, तो इसी तरीके का इन लोगों का फेस्टिवल है, वो इन लोग आज तक तारीख में उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। ये होता है गाइस एक देशभक्ति और जो एक देश के ऊपर जिम्मेदारी होता है ना, ये होता है गाइस। तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए रखता हूँ, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस, जय सियाराम, जय हिंद, जय भारत।